मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मां ने अपने ही दोनों बच्चों को जिंदा जला रही थी। ग्रामीण के सहयोग से बाल बाल दोनों बच्चों को बचा लिया गया। गरीबी से परेशान थी महिला। कहते हैं ना, इंसान का दिमाग गाड़ी के पहिए की तरह होता है, कब किसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए इसकी कहना मुश्किल है। एक माँ ने अपने ही दोनों बच्चे को जिंदा जलाने का फैसला कर लिया। दोनों बच्चों को जिंदा जला रहे थे, ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाल बाल बचा लिया गया। दरअसल मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पथरा गौरध्या की है। बताया जाता है कि बीते रात 12 बजे रूबी देवी अपने दोनों ही बच्चे को अपने ही घर के पीछे लकड़ी इकट्ठा कर उसमें किराना तेल डालकर दोनों बच्चों को जिंदा जला रही थी। वहीं ग्रामीण का कहना है, जब रूबी देवी अपने बच्चों को आग में जला रही थी तभी बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां दौड़कर आए और दोनों ही बच्चे को जान से बचा लिया गया। मालूम हुआ कि रूबी देवी के पति गुलाब शाह पेशे से मजदूर हैं और वह मजदूरी करने बाहर गए हुए हैं। सुबह होते ही ग्रामीण ने इसकी सूचना वहां के प्रतिनिधि को बताया। मौके पर पहुंचे पंचायत समिति जहांगीर आलम ने दोनों बच्चों को फिलहाल त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल भेज दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रूबी देवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ग्रामीण ने एक और बात की खुलासा की है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पैसा आर जे दवा पील करता है। ये 12:00 बजे रात का है, तब ना हम रात हो रहा है। शाम को पाल में तेरा खाना है। घटना देखिए, यहाँ जो है हमारे घर के बगल में कुछ दूरी पर है गुलाब शाह है, पिता स्वर्गीय जयनारायण शाह, उसकी एक पत्नी है, उसको एक लड़का एक लड़की है। रात में वो लोग क्या किया, वो औरतिया जो है लकड़ी इकट्ठा जमा करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दिया और उसी आग में अपने लड़का और लड़की दोनों को डाल दिया। डालने के क्रम में जब बच्चा लोग हल्ला गुल्ला किया तो अगल बगल का पड़ोसी जो है जागा, जाकर के देखा तो हकीकत में वहाँ घटना आग सही में धधक रहा था, उसमें बच्चा और झुलसा हुआ था, तो उसकी माँ खुद जला रही थी। और उसकी माँ जो है दोनों बच्चा को, एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों को जान से मारने की जो वजह तो हम लोग नहीं बतला सकते। हम लोगों को तो सुबह में घटना मालूम हुआ, इसलिए कि रमजान का महीना तरावी पढ़ के आते हैं, खाना पीना खा के हम लोग सो जाते हैं, इसलिए सुबह में जानकारी हम लोगों को हुई। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, मेरा पथरा हुआ वार्ड नंबर 2, पंचायत पथरा गुरुदोई, थाना त्रिवेणीगंज।